Hello students, so today we are here to start our unit 2, that is HTML. So before that, what we have studied in unit 1, let us recall once again. So we have studied about the basics of internet, its advantages, connectivity, domain name system, and all the connectivity related protocols, classes of IP address. So let us start with unit 2, that is HTML. And starting with the history of HTML, let us see that how the versions of HTML changed and who was the creator or developer of HTML. Let us see that. So HTML stands for Hypertext Markup Language. So its full form is Hypertext Markup Language. So hyper means linked, and text means the written text, markup and language. So we will see all these four words, and with the help of these four words, how the HTML was made and what are the features of HTML, we will see in the upcoming lectures. So it is mostly used language on web to develop a web page. So it is used to develop a web page, and it was created by Berners-Lee in 1991. So the developer was Berners-Lee, and the HTML versions was, the first version of HTML was HTML 2.0, and ye 2.0 se create hoke ye फर्दर वर्जन्स में आता गया, जो कि HTML 4.01 था, उसके बाद HTML 5, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 2012, और तब से अभी तक HTML 5 इज़ द वर्किंग वर्जन ऑफ HTML. सो लेट अस सी सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ HTML, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HTML, और वी कैन से दैट. सो इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. Its full form is Hypertext Markup Language. HTML is used to create web page and web applications. So we use HTML to web page banane ke liye and web application create karne ke liye. So HTML is widely used language on the web. Jitne bhi hum log websites use karte hain ya google.com or anything, to sabse pehle HTML ka use hua tha. Ab with the help of HTML, CSS and JavaScript all are done. So PHP, तो अभी तो पी एच पी का टाइम है, बट इन पी एच पी ऑल्सो वी यूज़ एच टी एम एल फॉर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग सम ग्राफिकल फीचर्स ऑफ इट, एंड वी कैन क्रिएट अ स्टैटिक वेब पेज बाई एच टी एम एल. स्टैटिक वेब पेज और वेबसाइट क्या होता है, जिस पर कोई चेंज नहीं होता है. दो तरह का वेबसाइट होता है, फर्स्ट इज़ स्टैटिक एंड सेकेंड इज़ डायनेमिक. सो इन स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है कि एक बार किसी तरह का हम डेटा उस पर डाल दिए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चेंज नहीं होता. बट इन डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है. एग्जांपल ऑफ स्टैटिक वेबसाइट इज़ अवर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और वी कैन से दैट वेबसाइट ऑफ एनी कॉलेज और एनी इंस्टीट्यूट. एंड द डायनेमिक वेबसाइट इज़ जस्ट लाइक वेदर फोरकास्टिंग वेबसाइट, कि पल पल का खबर, जैसे कि दो तीन मिनट, दो घंटे पे वहाँ पे डेटा चेंजेस होता है, तो दैट इज़ डायनेमिक वेबसाइट. सो टेक्निकली HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज रैदर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो HTML क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है. सो मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड वन. सो वाई टू लर्न HTML, HTML क्यों ज़रूरत पड़ा हमें सीखने को. सो HTML इज़ अ मस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्पेशली वेन दे आर वर्किंग इन डेवलपमेंट डोमेन. सो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो देर आर सर्टेन फील्ड्स सच एज वेबसाइट डेवलपमेंट और टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर कोडिंग. सो डेवलपमेंट में क्या होता है कि अगर आप डेवलपमेंट में, तो HTML इज़ अ मस्ट नीड थिंग्स. सो HTML और CSS आपको जरूरी है जानना, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ HTML यू ओनली डेवलप अ वेबसाइट वेब पेज, एंड by linking multiple web page you use to create a website. So below are some of the key advantages of learning HTML. So kya kya advantages hai, ek ek karke let us see that. So first one is create websites. We have seen in this previous lecture ki HTML ka use hota hai for creating a website, and customize bhi kiya jata hai hum log website kisi web template ko with the help of HTML. कस्टमाइज़ का मतलब क्या होता है कि पहले से वेबसाइट बना हुआ है, एंड वी हम लोग क्या करते हैं कि वी यूज़ टू एडिट सम थिंग्स सच एज लेट अस टेक एन एग्जांपल की एक वेबसाइट है, और वहाँ पे एक किसी भी इंस्टीट्यूट का लोगो लगा हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है, बट वी हैव टू कस्टमाइज एंड चेंज इट टू अ न्यू वन. देन व्हाट वी विल डू, विल नॉट चेंज एनी टाइप्स ऑफ कोड, वी विल ओनली चेंज द
basic images or basic text such as HTML text to customize that web page. So second one is become a web designer. So web designer banne ke liye we need HTML, and if you want to start a career as a professional web designer, HTML and CSS designing is a must skill. So HTML and CSS are the very must known skill for becoming a web designer. And the third one is understand web. तो किसी भी चीज़ वेब पे वेब यानी कि वेबसाइट पे और वी कैन से दैट द WWW पे जितना भी डिटेल्स एंड ऑल आर देयर. सो टू बूस्ट इट्स स्पीड एंड परफॉर्मेंस इट इज़ गुड टू नो HTML टू यील्ड बेटर रिजल्ट. तो अच्छे रिजल्ट के लिए क्या होता है कि हमें HTML जानना बहुत जरूरी है. एंड लास्ट वन इज़ लर्न अदर लैंग्वेजेस. So once you understand the basic of HTML, then other related technologies like JavaScript, PHP or Angular are become easier to understand. तो अभी जैसा बतलाए थे कि if you are very much comfortable with HTML and CSS, तो क्या होता है कि किसी भी तरह का वेबसाइट डेवलपमेंट चाहे JavaScript हो या PHP हो या Angular JS हो, तो क्या होता है कि you used to it is very easier to understand the languages. So these were the things why to learn HTML. So let us move on to the applications of HTML. So HTML ka applications kya kya hota hai. So the first one is web page development. So web page develop karne ke liye we use HTML, and it is used to create pages which are rendered all over the web. And almost every page of web is having HTML tags in it, rendered its details in browser. So किसी भी web page पर जाके right click करके अगर हम करेंगे view source, तो we used to see the HTML code over there. And internet navigation is the second application. So HTML provides tags which are used to navigate from one page to another and is heavily used in internet navigation. तो कभी भी देखते हैं कि बैक पेज एंड फ्रंट नेक्स्ट पेज का ऑप्शन हमें दिखता है वेब पेज पे, तो वो क्या है, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ HTML. कि कभी भी हम किसी भी एक पेज से दूसरे पेज को हम लिंक कर सकते हैं बाई यूजिंग एच एंकर टैग. वी विल सी दैट एंकर टैग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्लासेस. सो थर्ड वन इज़ रिस्पॉन्सिव UI, यूज़र इंटरफेस बहुत रिस्पॉन्सिव होता है, बहुत लुक एंड फील चेंज हो जाता है. So HTML page nowadays works well on all platform, mobile, tabs, desktop or laptops, owing to responsive design strategy. तो अगर किसी भी web page को अगर हम laptop में बनाते हैं, and I can say that it is very easy to understand through the mobile also, तो ये user responsive है. Next is offline support. So HTML pages once loaded can be made available offline on the machine without any need of internet. तो अगर हम कभी एक website बनाते हैं and होस्ट कर दिए अगर उसे, तो इसका ये नहीं है कि हमें इंटरनेट ज़रूरत है. अगर हम विदाउट होस्टिंग वी कैन शेयर दैट HTML कोड टू एनीवन एंड वी कैन सी द आउटपुट ऑफ दैट. गेम डेवलपमेंट में भी बहुत यूजेज आता है HTML का. सो गेमिंग में किसी भी तरह का डिज़ाइन होता है या किसी भी तरह का UI यूज़र इंटरफेस होता है, तो उसे चेंज करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू यूज़ HTML. So let's see the features of HTML. So it is very easy and simple language, and it can be easily understood and modified. So बहुत easy होता है, and किसी भी तरह का हमें modification and understanding में दिक्कत नहीं होता. So it is very easy to make an effective presentation with HTML because it has a lot of formatting tags. We will see each and every formatting tags. And it is a markup language, so it provides a flexible way to design web page. So flexible, that means that it can be easily run over any platform, and it facilitates programmer to add a link on the web page. अभी मैंने बताया anchor tag की help से हम link भी add करते हैं. So it is platform independent because it can be displayed on Windows, Linux, Mac, किसी भी operating system पर ही use हो सकता है. It facilitates the programmer to add graphics, videos and sounds to the web page, which makes it more interactive and attractive. ये मैंने बतला दिया कि किसी भी तरह का graphics, image, video, कुछ भी add करने के लिए we use HTML very much. And the last one is it is case insensitive, which means we can use either lower case or upper case. तो कहीं पर भी हम अगर lower case यूज़ करते हैं या upper case यूज़ करते हैं, यहाँ पर कोई difference नहीं है. So that's all for today. Let's see an example in the next lecture. Thank you.